प्रदेश की 58,179 पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की भर्ती में जन सुविधा केंद्र ग्राम स्तरीय उद्यमियों सीएससी वीएलई को प्राथमिकता दिए जाने की मांग वीएलई यूनियन के द्वारा लगभग प्रत्येक जनपद में की जा रही है। इसी संबंध में जनपद मैनपुरी की सीएससी वीएलआई यूनियन द्वारा मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की गैर मौजूदगी में कार्यालय अधिकारियों को सौंपा गया। सीएससी वीएलई यूनियन मैनपुरी में अपने ज्ञापन में बताया कि पंचायत डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती में जो सीएससी वीएलई काफी समय से ही सरकार की तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं जैसे कोविड-19 रजिस्ट्रेशन, आयुष्मान भारत, आर्थिक जनगणना, पीएमजी, दिशा, किसान सम्मान निधि एवं बैंकिंग सर्विस आदि को बिना सरकारी पारिश्रमिक के ही हम लोगों द्वारा एवं सरकार की मंशा अनुरूप गांव गांव एवं जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। ग्राम स्तर उद्यमी के तौर पर सीएससी द्वारा हम लोगों को कंप्यूटर क्षमता में निपुण भी किया गया है तथा हम लोग जनता के बीच संबंध स्थापित किए हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती प्रक्रिया नोटिफिकेशन में कहीं पर भी कंप्यूटर दक्षता की अनिवार्यता का उल्लेख नहीं किया गया है, जिससे पंचायत सचिवालय का कार्य अकुशल व्यक्तियों द्वारा कैसे किया जाएगा। अतः वीएलई यूनियन अपने ज्ञापन के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी से यही मांग करती है कि प्रदेश सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाले एवं कंप्यूटर दक्षता में निपुण प्रत्येक ग्राम पंचायत में संचालित कॉमन सर्विस सेंटर के संचालकों को ही इस भर्ती प्रक्रिया में प्रथम वरीयता प्रदान की जाए। यूनियन ने आगे कहा कि हम लोग एक लंबे अरसे से बहुत कम कमीशन लेकर सरकार की योजनाओं को लक्ष्य तक पहुंचा रहे हैं एवं हम लोग बहुत समय से इसी आशा में कार्यरत हैं कि सरकार द्वारा कभी न कभी हम लोगों को मानदेय इत्यादि दिया जाएगा। अब वह समय है जब प्रत्येक ग्राम पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद सृजित किया जाना है, जिसमें हम लोगों को प्राथमिकता न देकर अन्य अकुशल लोगों को इसमें भर्ती किए जाने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे हम लोगों को अपनी रोजी रोटी के लिए भी लाले पड़ेंगे। मैं काम जो ना किस आधार पे कर रहे थे जी, अभी तक जो सरकारी सेवाएं थी उनमें फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे थे, जैसे वैक्सीनेशन है, गोल्डन कार्ड है जी। और बैंकिंग की सेवाओं पे फ्यू कमीशन लेके बहुत कुछ पैसे का कमीशन लेकर के सभी डीएलई भाई कार्य कर रहे थे। सर, जहाँ तक की सभी सेवाओं का लाभ फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे हम लोग, और अभी जब ये भर्ती की बात निकली है तो उसमें ग्राम प्रधान और सचिव के थ्रू जो भी लोग हैं अन्य लोगों को वरीयता दी जा रही है और हम सभी लोग अभी तक निःशुल्क में ही कार्य कर रहे थे जी। तो हम तो सरकार से और सारे लोगों से जो भी हमारे पर डीएम साहब हैं गुजारिश करते हैं। अभी तक आप निःशुल्क काम कर रहे थे, क्या लालच था आपको निःशुल्क काम करने का? सर, केवल जो सरकारी सेवाएँ हैं उन पर फ्री ऑफ कॉस्ट ही था, कोई लालच नहीं था। बगैर लालच जो हमारे क्या रोजगार का लालच नहीं था आपको? रोजगार केवल लालच ये था कि आगे चल के जो भी भर्ती निकलेगी उसमें हम लोगों को वरीयता दी जाएगी जी। तो वरीयता ना देकर अदर लोगों को इसमें इन्वॉल्व करके हम लोगों का काम छीना जा रहा है जी।